वेलकम बैक गाइस, मैं हूं आपका दोस्त विक्रम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा मिरर मैनिपुलेशन इफेक्ट। अगर है आप एक प्री वेडिंग वीडियो एडिटर या फिर सिनेमाटोग्राफर तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो के साथ इस टाइप के इफेक्ट्स को यूज करके आप अपने लेवल को कर सकते हैं अपग्रेड। और अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले कर लें हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को कर लें प्रेस इस टाइप की अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। सो बिना देरी किए चलते हैं सीधा प्रीमियर प्रो में और क्रिएट करना सीखते हैं मिरर मैनिपुलेशन इफेक्ट। सो गाइज, अब मैं आ चुका हूँ प्रीमियर प्रो में और इस इफेक्ट को आप किसी भी सॉफ्टवेयर में क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ आपने इस वीडियो में समझना है मेथड कि कौन सा स्टेप आपने कब और किस टाइम पर अप्लाई करना है। इस इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको इस टाइप की एक वीडियो शूट करनी पड़ेगी जिसमें आप अपने क्लाइंट के हाथ में इस तरीके से मिरर प्लेस कर सकते हैं। आप उन्हें पकड़ाएंगे मिरर जो जिसकी डायरेक्शन होगी सन की तरफ। जैसे आप ये मिरर देख रहे हैं, ये बिल्कुल प्रॉपरली वाइट है, इसमें और कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो हमने रखी हुई है सन की तरफ। जब आप अपने मिरर की डायरेक्शन सन की तरफ रखेंगे तो वो प्रॉपरली वाइट हो जाएगा। और आपने इसी तरीके से सबसे पहले एक वीडियो को कर लेना है शूट। जब आप इस टाइप की वीडियो शूट कर लेंगे उसके बाद आपने आना है सीधा सॉफ्टवेयर में और क्रिएट कर देना है अपना इफेक्ट। सबसे पहले आप अपनी मिरर वाली फुटेज को करेंगे इंपोर्ट अपनी टाइमलाइन पर। सो ये मेरी वीडियो आ चुकी है टाइमलाइन पर। ऑडियो की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, सो हम उसे कर देंगे अनलिंक और कर देंगे रिमूव। सो रिमूव करने के बाद आप अपनी इस वीडियो को लेकर जाएंगे लेयर 3 पर इस तरीके से। सो ये मेरी वीडियो आ चुकी है लेयर 3 में। सो अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट स्टेप में और नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर प्लेस करेंगे अपनी वो वीडियो जिसे हम दिखाना चाहते हैं। सो यहाँ पर मेरे पास कुछ वीडियोज हैं, सो इसे पिक कर लेते हैं। सो इस वीडियो को हम दिखाएंगे यहाँ पर मिरर में। सो उसके लिए मैं इसे यहां से इतना कर लेता हूं सिलेक्ट। इतनी वीडियो सिलेक्ट करने के बाद इसे आप ड्रैग करेंगे अपनी इस मिरर वाली वीडियो के नीचे। सो ध्यान से सुनिएगा, ये है हमारी मिरर वाली वीडियो। इसको मैं रीनेम कर देता हूं यहां से राइट क्लिक, इसे आप कर लेंगे रीनेम। इसका आप नेम रख दें मिरर, और नीचे वाली जो वीडियो है वो है हमारी क्रिएटिव वीडियो। इसको आप नाम रखें क्रिएटिव, जिसे आप यहाँ पर मिरर पर दिखाना चाहते हैं। सो ये हमारी होगी दो वीडियो। सो अब आप देखिए, हमने यहाँ पर अपनी जो क्रिएटिव वीडियो है जिसे हम यहाँ पर प्लेस करना चाहते हैं उसे भी रख दिया और मिरर को भी रख दिया यहाँ पे। उसके बाद अब हम आएंगे अपने थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप पे आप आएंगे यहाँ पर इफेक्ट्स में। इफेक्ट्स में आप टाइप करेंगे अल्ट्रा की। सो अल्ट्रा की यहाँ पर आप टाइप करेंगे। अल्ट्रा की टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा अल्ट्रा की, इसे आप अप्लाई करेंगे अपनी मिरर वाली वीडियो पे। सो ये है हमारी मिरर वाली वीडियो, इस पे मैंने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद आप जाएंगे इफेक्ट्स एंड कंट्रोल पैनल में। इफेक्ट्स एंड कंट्रोल पैनल में आपको यहाँ पर मिलेगी कुछ सेटिंग्स। सो थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं और देखिए इस तरीके से। सो यहाँ पर आपको मिलेंगी कुछ सेटिंग्स कंट्रोल पैनल में, और इन्हीं सेटिंग्स के साथ आप क्रिएट करेंगे अपने इस इफेक्ट को जिसका नाम है मिरर मैनिपुलेशन। सो उसके लिए आप आएंगे यहाँ पर की कलर में, और की कलर में आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर वाइट को। सो देखिए, जैसे मैंने इस वाइट कलर को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करते ही जो मेरी बैकग्राउंड पे वीडियो है वो यहाँ पर विजिबल हो चुकी है। कितना सिंपल मैथड है इस इफेक्ट को क्रिएट करने का। और ये यहाँ तक आपको वीडियो कैसी लगी वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बट अभी ये वीडियो ख़त्म नहीं हुई, अभी इस वीडियो में कुछ और स्टेप्स हैं। उन सारे स्टेप्स को ध्यान से देखिएगा तभी आप अपने इस इफेक्ट को प्रॉपरली क्रिएट कर पाएंगे। सो इतना करने के बाद अब आप सिलेक्ट करेंगे अपनी क्रिएटिव वाली वीडियो को जो कि हमारा बैकग्राउंड। सो उस वीडियो को आप कर देंगे यहाँ से स्केल। सो स्केल करेंगे इस तरीके से, डन। इस तरीके से आप करेंगे स्केल। यहां पर जो आपको ऊपर ब्लैक कलर का पार्ट दिख रहा है ये आपको बिल्कुल भी देखने में अच्छा नहीं लग रहा होगा, इसे अब हम करेंगे ठीक। सो उसके लिए आप आएंगे अब आप आएंगे यहां पर अपने मीडिया पैनल में, और यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू आइटम का, उस पर क्लिक करेंगे और जाएंगे आप यहां पर
कलर मैट पे। कलर मैट पे क्लिक करने के बाद आप करेंगे ओके और आपके सामने ओपन हो जाएगा एक इस तरीके से कलर पिकर पैनल। यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे व्हाइट कलर को या फिर आप इस तरीके से इस कलर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो यहाँ पर ये व्हाइट कलर है। उसके बाद कर देंगे आप ओके। ओके करते ही एक व्हाइट कलर की लेयर आपकी क्रिएट हो जाएगी और इसे आप प्लेस करेंगे अपनी बैकग्राउंड वाली लेयर के नीचे। सो अब आपको दिख रहा होगा जो हमारा ब्लैक कलर का यहाँ पर पार्ट दिख रहा था वो प्रॉपरली रिमूव हो चुका है और हमारा जो इफेक्ट था वो भी डन हो चुका है। सो एक बार प्ले करके देखते हैं अपनी वीडियो को और देखते हैं हमारा फाइनल रिजल्ट। सो गाइज ये हमारा फाइनल रिजल्ट जो कि है आपकी स्क्रीन पर। सो ये आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस टाइप के मिरर इफेक्ट्स को आप और क्रिएटिवली अपनी वीडियोस में क्रिएट कर सकते हैं। ये था एक सिंपल मेथड मिरर मैनिपुलेशन इफेक्ट क्रिएट करने का। इसके नीचे आप इस मिरर में फास्ट वीडियो या फिर रिवाइंड वीडियो भी अप्लाई कर सकते हैं। वो किस तरीके से क्रिएट होगी उसका भी मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। रिवाइंड वीडियो क्रिएट करने के लिए आप इस तरीके से अपनी वीडियो के नीचे प्लेस करेंगे डिफरेंट वीडियोस, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मैंने प्लेस किया हुआ है डिफरेंट वीडियोस को लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मैंने टोटल 7 वीडियोस प्लेस कर रखी हैं अपने इस मिरर वाले पोर्शन में। और आप अगर और फास्ट रिवाइंड इफेक्ट दिखाना चाहते हैं तो आप यहां पर और वीडियोस भी प्लेस कर सकते हैं। सो ये थे दो डिफरेंट क्रिएटिव स्टाइल जिसके साथ आप अपनी वीडियो में क्रिएट कर सकते हैं मिरर मैनिपुलेशन इफेक्ट। एक है गाइस ये जो कि है रिवाइंड इफेक्ट या फिर फास्ट वीडियो मिरर इफेक्ट, और एक है हमारा सिंगल वीडियो इफेक्ट जिसमें आप सिर्फ प्लेस करेंगे अपनी कोई भी एक सिंगल वीडियो को इस मिरर में और एक में आप क्रिएट कर सकते हैं पूरी रिवाइंड इफेक्ट को। सो गाइज ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको सिखाया कि किस तरीके से आप कुछ वीडियो फुटेजेस को यूज करके क्रिएट कर सकते हैं अमेजिंग इफेक्ट्स। सो अगर आप इस टाइप के और इफेक्ट्स और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस टाइप की या फिर नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हमारे इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को कर लीजिए प्रेस। रब राखा।